वेलकम बैक। यहाँ पे तीन सॉल्यूशन है ए बी सी, जिनका पीएच वैल्यूज हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें बताना है इन तीनों में से स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन कौन है। सो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसका पीएच वैल्यू 1 से 4 के रेंज में होता है। सो हियर पीएच इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इट इज स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट हमें बताना है स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन कौन है। तो स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसका वैल्यू 7 से ज्यादा हो, ठीक है। सो हियर 7 से ज्यादा और 11, 12, 13, 14 पीएच वैल्यू जिसका 11, 12, 13 या 14 होगा जिस सॉल्यूशन का, दो सॉल्यूशन विल बी स्ट्रांगली अल्कलाइन। सो हियर पीएच इज 13। हेंस नेक्स्ट हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रांगली अल्कलाइन नेचर है। तो जनरली पीएच वैल्यू 11, 12, 13 या 14 जिनका होता है वो स्ट्रांगली अल्कलाइन होते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन सी जो है, यहां पर पीएच 17 है, सो इट इज अ स्ट्रांग अल्कली सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें बताना है ए बी सी में से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जहां पर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी है और आयंस भी है सॉल्यूट के। सो ऐसा सॉल्यूशन या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। बी नंबर सॉल्यूशन पीएच 6 है, मींस एसिडिक तो है बट इसका पीएच वैल्यू ज्यादा है, मतलब 5, 6, 7 वाले जो पीएच वैल्यू वाले एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। सो क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा प्लस वीक एसिड का मॉलिक्यूल होगा प्लस वीक एसिड के आयंस भी होंगे। इसका मतलब यहां पर पार्शियल डिसोसिएशन हुआ होगा एसिड का या एसिड के हाइड्रोजन का। ज्यादातर एसिड के मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड ही होंगे। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सॉल्यूशन बी having pH value 6 means weak acid, partial dissociation takes place. Thank you.